हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेशल सब ग्रुप्स। तो स्पेशल सब ग्रुप से पहले एक तो आपको सब ग्रुप क्लियर होना चाहिए कि सब ग्रुप क्या होता है, उसके साथ वन स्टेप टेस्ट क्या चीज़ है, टू स्टेप टेस्ट क्या चीज़ है, सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। टॉपिक बहुत शानदार है, आइए ज़रा। द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्पेशल सब ग्रुप्स। कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, ये स्पेशल सब ग्रुप्स में चार हैं। पहला है सेंटर ऑफ द ग्रुप, सेकेंड है सेंट्रलाइजर, थर्ड है नॉर्मलाइजर बोलिए या सेंट्रलाइजर बोलिए, एक ही बात। नोटेशन जेड जी, नोटेशन सी एच, नोटेशन या तो एन ए बोलिए या सी ए बोलिए। ओके, नोटेशन अपनी जगह है। अब उसके अंदर क्या बैठा हुआ है, जेड जी में क्या है, सी एच में क्या है, एन ए में क्या है, मैं इधर लिखवा रहा हूँ। उसके बाद आपके साथ डिटेल में जेड जी डिस्कस किया जाएगा, उस पर उसकी प्रॉपर्टीज, उस पर बेस रिजल्ट, सब कुछ अभी डिस्कस किया जाएगा। वंस यू आर क्लियर विद सेंटर जेड जी, तो ये और ये तो केक वॉक होगा, लेकिन एक बार में सारा नहीं कर पाएंगे। अब पहले आपको जेड जी पे टाइम लगाना पड़ेगा, तो जो भी लिखा जा रहा है आप ज़रा कॉपी कर लीजिए। ये स्टूडेंट्स हो गया, यस सर। अगर नहीं भी हुआ है तो डरने की जरूरत नहीं है, दीज आर सिंपली नोटेशन, तो बाद में भी आप कॉपी कर सकते थे। अभी जेड जी पे ध्यान लगाइए, एंड सीरियसली स्पीकिंग जेड जी इज की टू सक्सेस, अगर आपने समझ लिया तो। व्हाट इज सेंटर ऑफ अ ग्रुप? हाँ जी, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ दो तीन चार बातें लिखी जाएंगी। तो जेड जी इज इक्वल टू, ज़रा ध्यान दीजिए एवरीवन, ये पढ़ने से पहले ज़रा इधर आओ। उल्टी सीधी बातें तो करिएगा नहीं, आप ही से कह रहे हैं और किससे कहेंगे। दिस इज ए, दिस इज बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग ए एंड बी कम्यूट? भूल तो नहीं गए ना, एक महीना पहले किया ही था आपने। बेटा जी इसका मतलब तो बता दो, बिल्कुल
का मतलब अभिलेन नहीं होता, इस स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ ए और बी है आपस में, अभिलेन कहाँ से हो गया, एक्स तो है ही नहीं पिक्चर में, वाई है ही नहीं पिक्चर में, प्लीज हैव सम सेंस, सारे एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे तब होगा ना अभिलेन, am I right? This statement deals with A and B only. There is no other third element. तो आप हनुमान जी बनने, हनुमान जी वाला काम मत करो, पूरा पहाड़ी उठा लिया. So A B equal to B है, ठीक है, ध्यान रखिएगा. A and B commute का मतलब A B equal to B. Fine. अब क्या इसका और इसका meaning same ही है? Of course. तो क्या meaning आएगा? ए बी इक्वल टू, बोलो मेरे प्यारे प्यारे बेटा, ए बी इक्वल टू बी है. अब जरा एक, अब हाँ अब बिल्कुल ही चुप हो गए, पता नहीं सर तो डांट ही देंगे. ए कम्यूट्स विद बी और उसके साथ साथ सी, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा. देखिए आप स्टेटमेंट बढ़ेगी, ए बी के साथ कम्यूट करेगा तो ये आएगा, और दूसरा सी के साथ करेगा तो ये आएगा. हम मान लीजिए बी एंड सी एंड डी, तो स्टेटमेंट बढ़ती जाएंगे नहीं बढ़ती जाएंगे? अरे yes, हाँ तो बोलो यार. हेलो आर यू देयर स्टूडेंट्स? Yes, sir. अब वाला स्टेटमेंट देखिएगा. अब क्या किया आपने, ये दो तीन छोटे बच्चों वाले काम नहीं करने, इसकी जगह ये लिखा जाए, इसको कैसे लिखेंगे? जी इसको लिखेंगे कैसे? अब भाई ए बी के साथ, सी के साथ, जी के साथ, टी के, सबके साथ कम, अब सारे स्टेटमेंट्स तो लिखेंगे नहीं ना, तो एक ऐसा स्टेटमेंट लिखिए जो सबके लिए वैलिड हो गया. जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जरा यहाँ ध्यान लगाओ. मान लो एक सबसेट लिया है आपने रियल लाइन का, और आप ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स ए वन है, ए टू है, डॉट डॉट डॉट, जितने भी हैं, ए हंड्रेड है, वॉट एवर, ये सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव है, तो बजाय ये लिखने के कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज पॉजिटिव मींस पहला एलिमेंट पॉजिटिव, दूसरा एलिमेंट पॉजिटिव, तीसरा एलिमेंट पॉजिटिव, ये सब कहानियाँ लिखने की बजाय अगर आप ये लिख दें कि ए इज पॉजिटिव फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, तो क्या एक ही स्टेटमेंट से सारे एलिमेंट्स कवर नहीं हो गए? स्पीक अप ऑल ऑफ यू. तो कुछ ऐसे ही यहाँ लिखना दिया, ए के साथ वन बाय वन लिखने की बजाय आप थ्रू आउट लिख दीजिए. सो देयरफॉर एम आई राइट इन राइटिंग द फॉलोइंग, ए जी इक्वल टू जी ए. अगर आपने लिखा कि ए जी इक्वल टू जी ए, तो यहाँ से पता लगा ए कम्यूट कर रहा है जी के साथ. अब इसको वेरी करा दो. हाँ जी, इज दिस स्टेटमेंट क्लियर टू एवरी वन? बाकी स्टूडेंट्स, बेटा मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा, और मेरे से आप बच भी नहीं सकते. अगर पढ़ने वाला कोई भी पढ़ने वाला बच्चा हो ना, ग्रेजुएशन जिसको ढंग से करना है, मेरे से बच ही नहीं सकता. आप जरा इन्वॉल्व होके जवाब दीजिए. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. इस स्टेटमेंट को नीचे से देखना शुरू करो, ऊपर से नहीं, नीचे से. नीचे से देखा तो वेरिएबल जी है, मतलब जी इज कीप चेंजिंग एंड ए इज फिक्स. तो ये ध्यान रखिएगा कौन ऐसा एलिमेंट है जो सबसे कम्यूट कर रहा है, मिक्सअप मत करना चीजों को. जी वेरी कर रहा है, जी वन रखो, फिर जी टू रखो, फिर जी थ्री रखो, फिर तो ए फिक्स हुआ ना, ए सबके साथ कम्यूट कर रहा है. अच्छा यस, एंड इसका क्या मीनिंग है? कौन सबके साथ कम्यूट कर भाई, यू हैव टू रिकॉग्नाइज बी सबके साथ का. हे भगवान, अरे जो फिक्स है वो कम्यूट करेगा ना. ए कम्यूट विद बी फॉर ऑल बी, दैट मींस ए कम्यूट विद एवरी एलिमेंट. उसी स्टेटमेंट को लिखने का तरीका, इस चीज को समझिए जी. कौन 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 है जो सबसे कम्यूट कर रहे हैं? एक्स कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी. Is this statement okay? Hello? Yes, sir. अखिले सर हर्षिता की आवाज आई. आस्था? ऋतिक? Yes, sir. अब यही टीचर यही करेगा, एक एक बच्चे से पूछेगा माइक ऑन करवा के, खुद नहीं बोल सकते आप लोग. इसको पहचानिए एवरीवन, पहचानिए जरा क्या लिखा है. मैंने इसलिए बोला था अभी तो, राइट नाउ जस्ट नोटेशन पहचानो, बोलो क्या लिखा है. सर एक्स कम्यूट्स विद ऑल द एलिमेंट्स. ये यस, ये अंदर से निकल के आया ना आपने, अब कि ये ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो सबसे कम. यस, तो दैट्स द पॉइंट, सेंटर यही होता है. तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं हम. तो व्हाट इज ZG? एवरीवन आईज ऑन द बोर्ड. ZG इक्वल टू, जरा देखिए. यस
collection of those elements of course of G आएंगे ना, elements of G आएंगे. हाँ जी, ये जो रेड में लिखा गया है, ये जो रेड में लिखा गया है फटाफट से याद कर लीजिए. अगर ये आपको समझ में आ गया तो मज़ा आ गया, अब इसके ऊपर बहुत अच्छा अच्छा काम होगा. सोच लो अच्छे से, डांट पड़ने वाली है अब सबको. Yes, are you ready? Yes. Yes. देखिए आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, तमिल में भी बोल सकते हैं, इफ दैट इज योर मदर लैंग्वेज. मेरे को तो समझ में आएगा नहीं, मेरे को लगेगा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोले आपने. यस मिस्टर नकुल, आर यू देयर? यस. चलिए नकुल जी बताइए, सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है? जेड जी. जेड जी क्या होता है? क्या मतलब है इसका, थोड़ा हिंदी में बताओ ना. जैसे x g है इक्वल टू g x है, तो x कम्यूट कर रहे सारे एलिमेंट्स ऑफ g. नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं जो सुनना चाहता था ये तो उससे बिल्कुल अलग चीज है. मैं आई एम आस्किंग zg के अंदर कैसा एलिमेंट आएगा, या zg क्या चीज का कलेक्शन. जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैंने आपको एक सेट दिया एंड आई एम सेइंग दैट सेट इज कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स तो सेट के मेंबर्स क्या होंगे? फ्लावर्स होंगे ना. यस सर. आप ये थोड़े ना बोलेंगे फ्लावर इज येलो, फ्लावर इज वाइट, यही बोल रहे हो तुम. मैं पूछ रहा हूँ मेंबर्स कैसे होंगे, जेड जी के मेंबर्स क्या हैं, कैसे हैं. ऐसे मेंबर्स लेने जो क्या काम कर रहे हैं. स्टेटमेंट पढ़िए अगर लिखा है तो. जेड जी इज इक्वल टू ऐसे एलिमेंट जो सबसे कम यूज कर रहे हैं. क्या देख रहे हो तुम? यस एवरी वन इधर आइज ऑन द बोर्ड ऑल ऑफ यू. मान लीजिए आपके पास ये एलिमेंट, जरा ध्यान से आंखें खोल के रखिएगा. हाँ जी, सपोज एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, सपोज ए कम्यूट्स विद ऑल, सारे एलिमेंट से कम्यूट कर रहा है, ठीक है जी. बी कम्यूट्स विद ऑल, सबसे कम्यूट कर रहा है, बट सी डी डी सी के बराबर नहीं है एंड सी पी पी सी के बराबर नहीं है. भैया ये स्टेटमेंट जरा आइए हमारे साथ, थोड़ा हाथ बटाइए, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं. ये आपके एलिमेंट्स का कलेक्शन है, इन एलिमेंट्स में से ऐसे एलिमेंट्स उठाइए जो सबसे कम्यूट कर रहे हैं. ए कर रहा है, ठीक है, बी कर रहा है, सी और डी तो आपस में ये नहीं कर रहे, तो सबसे तो क्या खाके करेंगे. हाँ जी, सी इज नॉट कम्यूटिंग विद बी, सो सी इज कम्यूटिंग विद ऑल द एलिमेंट्स इज आउट ऑफ क्वेश्चन. ये भी गया. तो ये जरा कलेक्शन देख के बताओ, यहाँ पे जेड जी क्या बनेगा, क्या बनेगा जेड जी? A, B. A, B. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, स्टेटमेंट समझ में आ गया. ZG में क्या उठाना है आपको? Yes, so जो कम्यूट करेगा सारे एलिमेंट्स. ऐसा एलिमेंट उठाना है जो सारे एलिमेंट से कम्यूट करे. अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग यस X बिलोंग्स टू ZG या Y बिलोंग्स टू ZG या P belongs to ZD. Meaning should be absolutely clear. X belongs to ZD तभी होगा जब X सबसे commute करेगा. So saying this is equivalent to saying X commutes with all. इधर उधर की बातें बनाने से तो कुछ होगा नहीं ना. Yes. हाँ जी, what do you mean by that? अभी तो समझाया था symbols के through. इसीलिए समझाया था. आपको लगा time pass हो रहा है. Yeah. यही नहीं, लिखना ही नहीं आता बच्चों को. लिखना ही नहीं आता. हाँ जी, ऐसे ही वाई के लिए लिख सकते हैं, पी के लिए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. Yes, sir. So, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है पी कम्यूट्स. आप भले ही ये पूरा ना लिखो लेकिन जो लिखो वो तो सही लिखो. जी कैन आई राइट पी जी इक्वल टू जी पी? हाँ बहुत बढ़िया, अब जरा साथ है. ये व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ जीरो टू वन एक्स डी एक्स? सर ग्रुप थ्योरी में इंटीग्रल कहाँ से आ गया? अब तो आ गया बेटा जी, आंसर दो बस. फाइनल आंसर क्या है? पहले वाले का भी हाफ है, इसका भी हाफ है. अगला बताइए.
मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है, दीज आर नथिंग बट चेंज ऑफ डमी सिंबल्स। हेलो आर यू गेटिंग, चेंज ऑफ डमी सिंबल्स। सबका आंसर 1/2 है, एक्स में लिखी है, वाई में लिखी है, जेड में लिखी है, सेम थिंग हियर। ये जरूरी थोड़ा ना मैं जी के एलिमेंट्स को जी से डिनोट करूंगा भाई, मैं तो ये भी लिख सकता हूँ अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। तो क्या ये चीज ऐसे नहीं लिखी जा सकती? अब इस स्टेटमेंट को बच्चा पहचान नहीं पा रहा है क्या लिखा है, तो भैया फिर तो प्रणाम लेना पड़ेगा। यहाँ यहाँ यस, यहाँ फिक्स क्या है और वेरी क्या कर रहा है, ए वेरी कर रहा है, तो ए वन ए टू ए थ्री रखेंगे जब आप, तो पता लगेगा अरे भाई ये तो एक्स सबसे कम्यूट कर रहा है, तो दिस इज एक्स कम्यूटिंग विद ऑल। तो ये एक ही चीज़ को लिखने के अलग अलग तरीके। आप सबको जेड जी का मीनिंग क्लियर हो गया, ये बोल रहे हैं आपको। और इसके साथ साथ क्योंकि आपको रिजल्ट स्टैब्लिश करना है, तो ये मीनिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, बड़ी खुशी हुई आपके उच्च विचार सुन के। सबको क्लियर है? हम अगेन आस्किंग। Yes, Mr. Tanush, are you there? Yes, sir. Yes, please explain. Sir, closure power नहीं लगी। इसका मतलब बताओ तुम मुझे। X belongs to ZG. Sir, X belongs to ZG मतलब X जैसे center का football लगी sir, वो डांट डांट सुनते। एक्स बिलोंग्स टू दैट मीन्स एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इसका कोई मीनिंग है? अब उसके बाद चलो भाई, बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन जो भी आपने बोला, एक्स बिलोंग्स टू जेड जी मीन्स एक्स कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट इन सिंबल्स? जिन जो जो बोल रहे थे ही मस्ट कंटिन्यू। सिंबल्स में आधा घंटा हो गया पढ़ाते हो तुम लोगों को एक ही चीज, देख लो जरा क्या हाल है। ऑनलाइन क्लास को आप लोगों ने ऐसे समझा कि टीचर सामने नहीं है, बस चलो जी ऐसे ऐसे कर दो है। देखिए अगर आप हमारी क्लास में आते हैं थोड़ा सीरियस हो गया कीजिए भाई, क्या क्या कर क्या रहे हैं आप लोग, कितनी क्लासेस दे दी आप लोगों को, आगे सारे सेमेस्टर्स पढ़ना है आप लोगों को, ऐसे पढ़ोगे? पिछले 15-20 मिनट से मैं एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, कम्यूट 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 अलग अलग सिम्बल्स के थ्रू, भाई इसमें ऐसा होगा इसमें ऐसा होगा, कहाँ ध्यान है? और क्या होता है सिम्बल? अच्छा, जो समझा सकते हैं समझा दीजिए, ऐसे मत किया। ओके, यहाँ फ्रॉम यस, यहाँ आपको मिलेगा एक्स डी इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल दी बिलोंग्स टू जी, कोई दूसरा सिंबल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा वाई डी इक्वल टू जी वाई फॉर ऑल दी बिलोंग्स टू जी, और यहाँ क्या मिलेगा भाई? सबको क्लियर है? यस सर। ओके, वी आर इनटू सेंटर ऑफ द ग्रुप। आइए जरा प्रॉब्लम नंबर 1, सेंटर्स पे बात करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम 1, थ्योरम 1, व्हाटएवर। ये आज का जो टॉपिक आपको कराया जा रहा है, इतने मोटे मोटे लेटर्स में क्या लिखा था उस टॉपिक का नाम? स्पेशल सब ग्रुप्स। तो चाहे चाहे सेंटर हो, सेंट्रलाइजर हो, नॉर्मलाइजर हो, कुछ भी हो, वो सब ग्रुप होता ही है, नाम ही है टॉपिक का, बट लेट अस एस्टैब्लिश सब ग्रुप है वो। तो प्रॉब्लम नंबर 1, अच्छा ये जेड जी फॉर्चुनेटली किसी भी बुक में, अलजबरा की कोई भी बुक में, चाहे आप इंडिया में हैं, यूएसए में हैं, यूके में हैं, कहीं भी हैं, कहीं भी, ये सिंबल किसी भी मॉडर्न अलजबरा की किताब में, किसी भी ग्रुप थ्योरी की बुक में चेंज नहीं हुआ है। जिस भी ऑथर ने बुक लिखा है उसने ये सिंबल ही पकड़ के रखा है, तो ये यूनिवर्सली ग्रांटेड सिंबल है, आप बेधड़क यूज़ कर सकते हैं। जेड जी डिनोटेड एज सेंटर ऑफ जी, या दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ जी। नोट इज जेड जी कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स जो सबसे कम्यूट करें। ओके,
तो प्रॉब्लम नंबर वन शो दैट जेड जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी. हाँ जी जरा साथ आइए. कोई कॉपी तो क्या ही करेंगे यहाँ पे. पहले देखें यहाँ पे हम हर क्लास में मैं करा ही रहा हूँ आप लोगों को. वन स्टेप टेस्ट से भी कर सकते हो, टू स्टेप टेस्ट से भी कर सकते हो. टू स्टेप टेस्ट थोड़ा एलेबोरेट करके अच्छा लगता है एक्सप्लेन करने में. आइए जरा स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू क्लोजर स्टेप टू इनवर्स. हाँ जी क्लोजर के लिए आएंगे. आंखें खोल के रखिएगा. लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड जी. कोई बच्चा मुझे टू शो बताएगा क्लोजर. हे ईश्वर देखिए प्लीज जो बोला गया है वो करिए. विदाउट इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं कर पाओगे. आगे का सारा मैथमेटिक्स ऐसे ही है. डरो नहीं. ये इसलिए परेशान करता है कि ये आपने स्कूल में इस तरह से पढ़ा ही नहीं. वहाँ तो सारा कैलकुलेशन होता था, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन फटाफट हो जाता था. अब आगे ग्रेजुएशन सारा ऐसे ही है. अभी नहीं आत्मसात करेंगे अगर अभी नहीं ठीक से पढ़ेंगे आगे बंधन हो जाएगा बहुत ज़्यादा. यही तो कारण है बच्चे आपको यूजुअली ये बोलते मिलेंगे बहुत बेकार मैथमेटिक्स है, बहुत बेकार मैथमेटिक्स है. ये वाला ये कोई बेकार नहीं है, ये बहुत अच्छा है. जब सारी दुनिया पढ़ रही है, सारी दुनिया में काम हो रहा है इसके ऊपर, बेकार कैसे हो सकता है. बेकार होता तो गले लगा के रखते सारे लोग. बेकार इसलिए है कि आपने कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं उसको, तो फिर उल्टी सीधी बातें निकलेंगी अंदर में. ट्वेल्थ क्लास का मैथमेटिक्स कैसे आप खराब थोड़े ना बोलेंगे. रीजन बीइंग आपने झंडे गाड़े हुए भाई उसमें अच्छे से पढ़ के. तो ये इस वाले मैथमेटिक्स की शुरुआत यहीं से हो रही है. अरे भाई कुछ सुन रहे हैं आप लोग. हेलो ये आपको ढंग से करना ही पड़ेगा. मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ. वो तो बरसों पढ़ा मैं हर क्लास में कहता हूँ ये चीज़. इसको ज़रा ढंग से करिए. इसी से आपका एनालिसिस होगा, इसी से सारा अलजेब्रा होगा. एनालिसिस मतलब रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं अभी आप. आगे जाके लिमिट क्वांटिटी पढ़ना है आपको और फिर रीमन इंटीग्रेशन यूनिफॉर्म आई डोंट नो क्या क्या नहीं पढ़ना. बट थोड़ा तरीका आपको पहले से मैथमेटिकल लैंग्वेज क्लियर हो जानी चाहिए, लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या क्या गिवन होता है, क्या क्या शो जो भी है. हाँ जी एक्स वाई जेड जी में है आपको शो करना है एक्स वाई जेड जी. ये प्रोडक्ट की तरह हो गया. इंडिविजुअली इसका मतलब, इन दोनों का मतलब और इसका मतलब यू नो यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर. हाँ जी एक्स अगर जेड जी में है तो क्या मतलब एक्स सबसे कम्यूट करेगा यानी एक्स. हाँ देखो देखो कोई बात नहीं. एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड वाई जी इक्वल टू जी वाई फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी. अब आपके कॉलेज में ही आपकी क्लास में ऐसे महानुभाव बहुत मिलेंगे जिनको कुछ लिखना ही नहीं आता बेचारों. तो चलो कोई बात नहीं. हाँ जी टू शो एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड जी. आप सभी लोग भाई इसको एक एलिमेंट मानो. अगर ये एलिमेंट जेड जी में तो ये एलिमेंट सबसे कम्यूट करना चाहिए. दैट इज उसके लिए क्या शो करना पड़ेगा एक्स वाई अलॉन्ग विद जी. दिस शुड बी इक्वल टू जी एक्स वाई या जी वाई एक्स. भाई एक्स वाई एक एलिमेंट है ना फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी. ये शो करना है. हेलो चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं वहाँ पहुँचेंगे. लेफ्ट साइड से शुरू करके राइट साइड पे पहुँचेंगे. नेक्स्ट वॉट इज एक्स वाई अलॉन्ग विद जी. हाँ जी ऑल ऑफ यू पहले लगाइए एसोसिएटिव लॉ एक्स अलॉन्ग विद वाई जी. उसके बाद लुक एट स्टार वाई जी तो जी वाई के बराबर है. अगेन एसोसिएटिव लॉ एक्स जी तो जी एक्स के बराबर है. अब बताइए जरा इससे ज़्यादा लॉजिकल कुछ हो सकता है. फिर लगाइए एसोसिएटिव लॉ. अब बोलिए जरा इससे ज़्यादा लॉजिकल कुछ है ही नहीं. ठीक कितने आराम से आ गए. हाँ जी यहाँ से यहाँ विच लॉ एसोसिएटिव लॉ वाई स्टार अगेन एसोसिएटिव लॉ अगेन वाई स्टार अगेन एसोसिएटिव लॉ. हाँ जी इज इट ट्रू फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी. यस इट इज. तो सारा काम हो गया. That is, भैया प्रूफ क्लियर है. देखिए इससे ज्यादा लॉग अगर इतने के बाद भी आप खुद से ना लिख पाए तो मुझे कुछ आता ही नहीं पढ़ाना वढ़ाना. और आपका भी फिर वही हाल है. यही बोला जाएगा और क्या. नेक्स्ट yes. अच्छा यही बोला जाएगा. ठहर जाओ तुम रुक जाओ. हाँ हाँ अंदर की भावनाएं तो बाहर आ ही जाती हैं. ठीक है. देखिए पहला स्टेप हो गया था आपका क्लोजर. दूसरा स्टेप करेंगे आप इनवर्स.
let x belongs to zg. Okay, let me write to show x inverse. जी इसका क्या मीनिंग है और जो चाहिए उसका क्या मीनिंग है वो लिखना ज़्यादा ज़रूरी है. दैट इज़ अगर आप हाँ जी अगर आप ये शो कर सकें फॉर ऑल जी तो आपका काम हो जाएगा. लीव दैट छोड़ दीजिए. इसका मतलब तो बताइए. दैट इज़ एक्स जी इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी. हाँ जी व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी वांट टू शो देयर इज़ अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन. यहाँ एक्स इनवर्स आ रहा है तो आप भी ले आओ. आप भी ले आओ. कैसे लाएँ सर? अरे दरवाज़ा खोलिए अपने आप ही आ जाओ. x inverse से प्री पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिए. ये लक्ष्य वाला साइड इमेज दैट इज x inverse x g x inverse E G X inverse. That is G X inverse equal to X inverse G. For all G belongs. जरा last line देख के बताइए क्योंकि variable G है जी. तो ये जो X inverse है वो सबसे commute कर रहे हैं definitely. तो ये meaning आपको clear होना चाहिए. That is X inverse belong करेगा किसमें? Z G. भाई proof clear हो गया? Yes sir. हाँ जी. ये इसके बाद प्री पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में तो कुछ लिखना नहीं है. यहाँ से यहाँ एसोसिएटिव है. बाकी तो कुछ है ही नहीं. चलिए हो जाइए शुरू. ये आप लोगों को जितना भी पढ़ाया गया है ग्रुप्स में भी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी और थोड़ा बहुत मैंने पॉलीनोमियल्स भी किया था शुरू में, फंक्शंस भी बताया था. भाई कुछ आपको एक्स्ट्रा लग रहा है अगर इन टॉपिक्स में कि जो आपके कॉलेज में हुआ है लेकिन यहाँ नहीं हुआ, आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं कि सर ये हमारे कॉलेज में हुआ. क्या आप शेयर करना पसंद करेंगे कुछ ऐसा? Yes, not interested in sharing. Okay. ये 50% हो गया, क्लोजर हो गया. यस सर. ठीक है, बाकी 100% भी हो जाएगा बाद में करिए. अभी मीटिंग एंड हो जाएगी तो हम दोबारा क्लास शुरू करेंगे. जस्ट मीटिंग जान में मतलब एंड होने से पहले जरा ये वाला प्रॉब्लम देखिए. अच्छा देखिए मीटिंग एंड ही हो रही है, ज़्यादा जल्दबाजी में कराना ठीक नहीं है. तो मैं एंड कर रहा हूँ, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए. इतना आप कॉपी कर सकते हैं. okay. एक मिनट का समय. दोबारा ज्वाइन करा लो एंड करके. ये बड़ी जल्दी कैसे खत्म हो गई इतनी? नहीं नहीं फिर भी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई?
हेलो, आर यू देयर? यस सर। भाई ये बहुत क्लासिक रिजल्ट कर लिया हम लोगों ने, अब अगला रिजल्ट, रिजल्ट नंबर टू, प्रॉब्लम नंबर टू, व्हाटएवर यू हैव। आइए ध्यान दीजिए, देखिए भाई ये बहुत कमाल की चीज़ है। सो दैट जेड जी इज ऑलवेज अबेलियन। अभी यू हैव जस्ट नोटिस्ड हर सेंटर के साथ एक सब ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका, उसका सेंटर, सॉरी हर ग्रुप के साथ एक सब ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका सेंटर, किसी भी ग्रुप के लिए। मान लीजिए ग्रुप लिया आपने जी, अगला ग्रुप लिया आपने जी डैश, तो इसका सेंटर तो उसके पास होगा ना। क्या इसका सेंटर इसका सब ग्रुप है? अरे बोलो भाई। जेड जी डैश इज अ सब ग्रुप ऑफ जी डैश। सो विद यस विद एवरी ग्रुप देर इज अ नेचुरल सब ग्रुप एसोसिएटेड, नेमली इट्स सेंटर। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। शो दैट जेड जी इज ऑलवेज अबेलियन। देखिए कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जी चाहे कैसा भी हो, जी अबेलियन हो, जी नॉन अबेलियन हो, कुछ पता हो कुछ ना पता हो, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये हमेशा अबेलियन होगा। अच्छा जी कैसे? एलिमेंट्स लेके कर लेते हैं। देखिए बहुत आराम से हो जाएगा। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस, सॉल्यूशन और प्रूफ वाटर। भाई इतने पोर्शन को अबेलियन दिखाने, कैसे दिखाएंगे? दो एलिमेंट्स ले लो, कम्यूट करा दो, हो जाएगा और क्या। तो लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जेड जी बी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स। If you can show x y equal to y x, you are through. अच्छा आप क्या करें सर? अब जरा ध्यान दीजिए आप सभी लोग, क्या मजे में काम होगा। देखिए ये है आपका जेड जी, हाँ जी, दोनों में से कोई एक एलिमेंट उठा लीजिए। आप x के साथ भी काम कर सकते हैं, आप y के साथ भी काम कर सकते हैं। हाँ जी x उठा लेते हैं। नोट देखना भैया जरा अच्छे से, नोट 2000 रुपये का नोट सिर्फ आपके लिए। x इज अ मेम्बर ऑफ जेड जी, बिल्कुल। What do you mean by that? What do you mean by that? X commutes with every element of G. Please wait for a second. हाँ जी ये जो x है क्या वो G1 से commute करेगा, G2 से commute करेगा? अरे सबसे करेगा या नहीं करेगा? सबसे करेगा। जब सबसे करेगा तो ये y से नहीं करेगा क्या? y भी तो g का ही member है। So in particular, yes. तो n पर्टिकुलर, थैंक यू वेरी मच, n पर्टिकुलर लिखा है। x ऑल्सो कम्यूट विद, फरमाइए दैट इज एक्स वाई इक्वल टू वाई। देखिए पढ़ने पढ़ाने का ना बाबा, बस फॉर ऑल कहाँ से आ गया, y एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, ओवरऑल कहाँ। अब फिर अब बजरंग बली वाला काम करने में उतारूँगा। ये जी है, ये आपका जेड जी है। एवरी वन आईज ऑन द बोर्ड, सभी स्टूडेंट सामने देखेंगे। भाई आपने क्या शो किया, प्लीज़ बी क्लियर। आपने ये शो किया कि जेड जी से अगर आपने दो एलिमेंट्स उठाए एक्स वाई, दो एलिमेंट लिखे ना, एक्स एंड वाई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट, तो एक्स वाई वाई एक्स के बराबर आ रहा है। एक बात बताओ ज़रा आप लोग, अगर एक्स वाई की बजाय आपने ए भी उठाया होता, यहाँ लिखा होता ए, वहाँ लिखा होता बी, तो एंड में क्या आता? क्या आता एंड में? ए बी इक्वल टू बी। मैं ठहरो तुम, रुक जाओ। अब क्या आता है एंड में? तो इधर से क्या पता लग रहा है भैया, क्या जेड जी के सारे एलिमेंट्स आपस में कम्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यस सर। बोलते काहे नहीं? अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करते तो सेट कैसा होता है? अबेलियन। कॉपी करिए, यहाँ ये बात याद रखिएगा, जी के लिए कुछ नहीं बोला हुआ, जी चाहे कैसा भी हो। प्लीज ऑल ऑफ यू,
हाँ जी सर, हमारे जो सेमेस्टर में नंबर चेंज तो आते आपके सेमेस्टर में? नंबर चेंज तो आते हाँ नंबर थ्योरी भी आ रहे हैं। ओके, और नंबर थ्योरी में वही ना मॉड्यूलो वॉड्यूलो है, कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो, डिविजिबिलिटी। यस यस जब एक दो क्लासेस में मैं फटाफट से करा दूंगा उसको, तो आप देखेंगे उसमें तो ग्रुप थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। मॉड्यूलो पढ़ा है ना आपने, देखना आएगा भी। एडिटिव मॉड्यूलो, यस सर पढ़े एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव, एचसीएफ, एलसीएम, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में आ रहा था बार बार, याद आया कुछ? यस को प्राइम, सर डिविजिबिलिटी, वही सब है नंबर थ्योरी। बस वो आपको बताया नहीं है कि सब एक एक जगह नहीं रखा है मैंने, वो सब एक जगह जब रखेंगे तो आप देखेंगे इनसे बहुत सारी चीज़ें हमने वैसे ही कर ली। कोई बात, और कोई चीज़ नंबर थ्योरी? एक और बच्चे ने बोला है अभी, एनीथिंग एल्स? नो सर ओके, नेक्स्ट। बहुत लिख लिया तुमने, टूट गया, अच्छा ही है। आओ जरा, अरे इसको देखो, ये आएगा एग्जाम में। हाँ जी, 100% आएगा एग्जाम। हाँ भाई, कौन किसका सब ग्रुप है? ऑब्वियसली जेड जी जी का सब ग्रुप है। कौन किसका सबसेट है? जेड जी जी का सबसेट है। कौन हमेशा अबेलियन है? जेड जी इज ऑलवेज अबेलियन। व्हाट अबाउट जी? हमें नहीं पता, जी मे और मे नॉट बी जी अबेलियन, कैन बी बट अबेलियन ये, हाँ हाँ जी कैन, ये याद रखिएगा आप सभी लोग कि क्लास में किया था। ये जो कलरफुल पोर्शन है, ये कलरफुल पोर्शन क्यों सिग्निफिकेंट है? ना सिर्फ ये पोर्शन सब ग्रुप है, ये सभी हाँ जी, ना सिर्फ ये कलरफुल पोर्शन सब ग्रुप है, बल्कि ये हमेशा अबेलियन सब ग्रुप, ऑलवेज अबेलियन। सो फॉर एवरी ग्रुप देर इज अबेलियन सब ग्रुप। इसको सेंटर कमाल हो गया भाई, चाहे ग्रुप नॉन अबेलियन हो तो भी। ओके नेक्स्ट। हाँ जी, ये रिजल्ट तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, तैयार हो जाओ। रिजल्ट स्टूडेंट्स प्लीज स्टॉप राइटिंग, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टॉप राइटिंग। देखिए भाई, ये तो अंदर डाले बिना तो रहूँगा नहीं मैं। और ये उन जितने रिजल्ट्स किए हैं ना आपने, उन सबसे सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट यही है। क्या कह रहे हैं, लुक एट द पिक्चर एवरीवन। देखो हम पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, आपको भी पता है, तो ग्रुप थ्योरी पढ़ने की वजह से जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो जी है, पक्का है। तो आप कुछ भी लीजिए, सबसेट लीजिए, एलिमेंट लीजिए, ये लीजिए, वो यूनियन लीजिए, इंटरसेक्शन लीजिए, रहोगे आप जी में ही? हाँ, या बाहर चले जाओगे? अरे बोलो भैया, जी में रहेंगे ना, यस जी के बाहर तो नहीं जा सकते। हाँ ऐसा हो सकता है कि सेट इतना बड़ा ले लिया सबसेट आपने कि वो जी के बराबर हो गया, बट जी से बड़ा नहीं होगा। एग्रीड? यस सर तो यही रिजल्ट, या यस यही चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इज देयर अ पॉसिबिलिटी, या अंडर व्हाट कंडीशन एक ग्रुप का सेंटर ग्रुप के बराबर होता है? आंसर सामने लिखा, याद कर लीजिए फटाफट, प्रूफ अभी करा देंगे। एक ग्रुप का सेंटर और ग्रुप कब बराबर होगा? जेड जी जी के बराबर कब होगा? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तब जी जब जी अबिलियन है। सो सर फॉर अ नॉन अबिलियन ग्रुप, चाहे कुछ भी हो जाए, जी में और जेड जी में क्लियर डिस्टिंक्शन फॉर अ नॉन अबिलियन ग्रुप, एंड फॉर अ अबिलियन ग्रुप देर इज नो डिस्टिंक्शन। जो जी है वही जेड जी है। जैसे एग्जांपल के लिए, इफ वी हैव ग्रुप ऑफ नंबर्स, नंबर्स तो हमेशा कम्यूट करेंगे आपस में, 2 + 5 5 + 2, या 2 × 5 5 × 2, तो अब नंबर्स वाला ग्रुप ऑलवेज अबिलियन, उसका सेंटर वो खुद है। ग्रुप ऑफ मेट्रिसेस ले लिया, हाँ जैसे जी एल एस एल, अबिलियन तो नहीं होते, नहीं होते, तो उनका सेंटर जो उस ग्रुप के बराबर नहीं, किसके बराबर है वो करेंगे बाद में। आओ भाई,
ये इफ एंड ओनली है तो फॉरवर्ड पार्ट एंड कन्वर्स पार्ट पहले करते हैं कन्वर्स पार्ट, और आप सभी लोग अपनी वॉट लगवाने को तैयार हो जाए। आइए पहले कन्वर्स हो रहा है फिर फॉरवर्ड हो रहा है, पहले फॉरवर्ड कन्वर्स जैसे भी करिए तो कन्वर्स पार्ट। लेट जी इज अ बिलियन, हाँ जी क्या चीज शो करना है नहीं बताओगे? Zg is equal to g. How to show two sets are equal? By showing first is contained in second and second is contained in first. पहला सेट दूसरे में और दूसरा सेट पहले में। हाँ अगर a और b बराबर दिखाने हैं तो भाई ये दो स्टेप्स में दिखा दीजिए कि पहले a b में कंटेंट है उसके बाद b a में कंटेंट है, ऐसे करेंगे बिल्कुल ऐसे करेंगे। नेचुरली कौन किस में कंटेंट है? Zg तो g में कंटेंट होता ही है, आप शो करो जी जेड जी में कंटेंट है। सो विल बी शोइंग जी इज कंटेंट इन जेड जी। हेलो आर यू लिसनिंग? हाँ भाई yes. ये उसमें कब आएगा? जब इसके एलिमेंट्स उसमें चले जाएंगे, यहाँ से एक एलिमेंट लीजिए। लेट एक्स बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, जरा आंखें खोल के रखना। यस महानुभाव हो आ जाओ सामने आओ। ये आपने फॉरवर्ड पार्ट में ग्रुप को अभिलन लिया है, अगर ये ग्रुप इसके पास x है और अगर ये ग्रुप अबिलियन है, इफ दिस ग्रुप इज अबिलियन एवरीवन, तो बेटा जी क्या ये इसके साथ कम्यूट करेगा? ऑफ कोर्स a के साथ कम्यूट, x a के साथ कम्यूट yes, करेगा b के साथ yes, करेगा ठीक है yes, क्या x सबके साथ नहीं करेगा? यस सर ग्रुप अबिलियन है भैया, हम क्या करें? ग्रुप इज अबिलियन। आगे देखिए, लेट x बिलोंग्स टू g बी एनी एलिमेंट बट, लेट मी राइट बट हियर, but since g is abelian, g is abelian therefore x commutes with, बताइए लॉजिक तो आप लोगों को पसंद ही नहीं लगता। जी what do you mean by that? That is x किसमें belong करेगा? एक घंटा होगा तुम्हें पढ़ाते हुए। initially x g में, finally ये logic है भैया, logic छोड़ना मत logic के साथ। x g में और यहाँ x z g में, तो किसके एलिमेंट्स किस में चले गए? g के एलिमेंट z g में चले गए। also z g is containing g is obvious, जोड़िए जरा क्या मिलेगा दोनों से, speak up all of you, आवाज़ें नहीं निकल रही नलायक कहीं की, क्या करके आते हैं पता नहीं क्लास में। अच्छी जी ये फॉरवर्ड पार्ट हो गया, अब जरा इसका कन्वर्स। अच्छा गलती से लिख दिया ना, जानबूझ के लिखा है। अब देखो इसका फॉरवर्ड पार्ट, अभी हम यहाँ से यहाँ गए है ना, ऐसे गए अबिलियन लेट करके ये चीज शो किया हमने, अब क्या करेंगे ये लेट करके अबिलियन शो करेंगे। इज दैट ओके? यस सर। लेट जेड जी इक्वल टू जी, यहाँ भाई टू शो तो लिखना पड़ेगा दीवार पे, तो वो तो जगह है नहीं हमारे पास, ऐसे ही बता दीजिए स्टेटमेंट देख के। अगर फॉरवर्ड पार्ट कर रहे हैं तो ये आप लेट करेंगे और शो क्या करेंगे? आंसर दोनों यहाँ क्या शो करेंगे? जी जबी इधर नोट देखिए, 2000 रुपये का नहीं नहीं 3000 रुपये का नोट जो मार्केट में है ही नहीं, लुक एट दिस 3000 रुपीज नोट। हाँ जी नोट, क्या ये जो रेड में लिखा गया है आपको कराया गया है? यस सर। यस खत्म हो गया। हाँ जी जेड जी जी के बराबर है, लेकिन जेड जी तो हमेशा अभिलन होता है, तो जी भी अभिलन होगा, देयरफॉर जी इज आल्सो अभिलन। अब जैसे कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि भाई ये एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, अगर ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में अगर आता है, If it comes in your exam, तो ये जो लाइन है ना ये, इसको आपको शो करना पड़ेगा। कैसे शो करेंगे? वो रिजल्ट बना के कर दीजिएगा, लेमा बना के, या by result proven in the end, at the end करके, जो भी है whatever। भैया प्रूफ आपको समझ में आ गया? हेलो yes, just wait for a second। जी मैं फिर भाई पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, स्टेटमेंट तो आपने देख ही लिया, ये हमारा फॉरवर्ड ऐसे और हमारा कन्वर्स ऐसे, मान लीजिए एग्जाम में ये लिखा हुआ है,
अब क्या फॉरवर्ड होगा और अब क्या कन्वर्स होगा, चेंज हो जाएगा, अब फॉरवर्ड फॉरवर्ड बनेगा, कन्वर्स कन्वर्स बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। ये नहीं बोलना कि ये नहीं कराया था वो कराया था सर आपने। हाँ जी, जी एंड जेड जी, लुक एट द पिक्चर एंड टेल मी ऑल ऑफ यू, आउट ऑफ जी एंड जेड जी विच वन इज ऑलवेज बिगर, कौन हमेशा बड़ा रहेगा? जी। क्या ये पॉसिबल है कि जेड जी का साइज जी के साइज से बड़ा होता है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। बट क्या ये पॉसिबल है कि जेड जी का साइज जी के बराबर हो जाए? यस सर। कब होगा भैया? आंसर स्टेटमेंट याद कर लीजिए, फॉर अ अबेलियन ग्रुप जेड जी इक्वल्स टू जी। ए दिस इज इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली। ये तो आपको कॉपी कर लेना चाहिए। करिए एकदम लॉजिकल प्रूफ है, बिल्कुल लॉजिकल। ओके, नेक्स्ट थिंग, अभी हमने सेंटर ऑफ अ ग्रुप पे दो तीन अच्छे अच्छे रिजल्ट्स कर लिए हैं, ऑफ कोर्स द लास्ट रिजल्ट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब बढ़ते हैं हम सेंट्रलाइजर की तरफ, सेंट्रलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप। हाँ जी, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए भाई, थोड़ा इशारों इशारों में बात समझ लेना अगर समझ सको तो। अगर समझ सको तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप, सेंट्रलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप। अब क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? लुक एट द डायग्राम, तुरंत समझ में आएगा, समझने वालों को सब समझ में आ जाएगा। यहाँ ये डायग्राम के माध्यम से कुछ बोलने की कोशिश, कुछ दिखाने की कोशिश, कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेदर आ दो, ये सी एच सेंट्रलाइजर ऑफ सब ग्रुप एच। हाँ ना 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 ना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बस यही आपको समझना है, लेना है। आइए देखिए, दोनों डायग्राम आपको कुछ बता रहे हैं। यहाँ अगर आपने सेंटर में एक एलिमेंट लिया तो दिस एक्स इज कम्यूटिंग विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, ना बता रहा है, बता रहा है। यहाँ जी अगर आपने सेंटर सेंट्रलाइजर ऑफ एच में एक एलिमेंट लिया तो वो एक्स जी के एलिमेंट से कम्यूट कर रहा है या एच के एलिमेंट से कम्यूट? देयर डिफरेंस, डिफरेंस दोनों में नजर आ गया सबको? इशारों इशारों में बात हो गई? जस्ट वेट फॉर अ सेकंड जी, जरा याद करिए जेड जी क्या। अरे अब क्या भूल कैसे जाओगे, क्वेश्चन डज नॉट अराइज। अब तो भगवान चाहेंगे तभी आप भूलेंगे, ऐसे नहीं भूल पाई। वॉट वॉज जेड जी? लेट मी राइट, इट वॉज कलेक्शन ऑफ, दिख भी रहे कैसे एलिमेंट्स का कलेक्शन? हाँ जी, विच देखो कैसे निकल रहा है अंदर से, आधे घंटे पहले वही दर्द दे रहा था। हाँ जी, जरा इधर आ जाइए। व्हाट इज पीएच, प्लीज कंपेयर। वाह भाई, कमाल ही कर दिया आप लोगों ने तो। सब ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप,
हाँ जी ऑल ऑफ यू भाई, ये याद करने के लिए नहीं है, मतलब आपको समझना पड़ेगा यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। मतलब सेंटर के केस में जो आपको कम्यूट कराना है वो जी के एलिमेंट से कम्यूट कराना है, बट सेंट्रलाइजर के केस में जो आपको कम्यूट कराना है वो किसके एलिमेंट से, एच के एलिमेंट से कम्यूट कराना है। हेलो yes, अच्छा यहीं हो, अभी गए नहीं हाँ, फिर अभी डांट सुनने में तो जाओगे ना तुम लोग, ठहर जाओ। यस आई एम राइटिंग सर्टन थिंग्स, जरा साथ है ये याद करिए, और किसी ने गलत जवाब नहीं देना है, अब नहीं देंगे आप। The x belongs to Z G if and only if x commutes with every element of G in symbols. In symbols क्या था अगर याद आता? G equal to G. X is equal to Y A. Y किधर से आ गया? एक ही चीज यूज करिए, देखिए कंफ्यूज नहीं हुई है, सब गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। स्टेटमेंट क्लियर है? Yes sir. जरा इसका मीनिंग तो बता दो। ये क्लियर है तो ही ये क्लियर होगा, और ये क्लियर है तो ही ये स्टेटमेंट आएगा। तो दिस इज इफ एंड ओनली, थैंक यू वेरी मच। एक्स एच इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए भाई समझ में आ रहा है कुछ? बोलिए बोलिए, फर्क समझ में आ गया? नहीं फिर भी जी भर के देख लो एक बार, पता नहीं कब दर्शन मिले दोबारा, जब जी भर जाए तो बता दीजिएगा। ये कितना अच्छा डायग्राम लग रहा है भाई, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा लग रहा है ना? गुड। हाँ जी आइए फटाफट कैच करेंगे, बट उसका तरीका है। यस एवरीवन स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, देखिए भाई इस स्टेटमेंट का मतलब था एक्स जी के मेंबर से कम्यूट करे, जी के सारे मेंबर से, और इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है प्लीज टेल मी? एक्स इज कम्यूटिंग विद एवरी एलिमेंट ऑफ एच, क्लियर कट डिस्टिंक्शन दिख रहा है आपको? लास्ट वाले में भी आई जाओ, अब ये भी कर ही लेते हैं। हाँ जी यहाँ देर इज नो सिंबल लाइक फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो लास्ट वाले में ये जो एक्स आप लोगे वो क्या काम करेगा, आपको सिर्फ एक ये पढ़ो तो सही, ये जी ओके दिस इज फॉर एच, जी और एच तो बड़े बड़े सेट्स हैं, बट यहाँ के नॉर्मलाइजर या सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट ही आपको मतलब उसी उसी से कंसर्न रहना है। तो दिस इज कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स विच कम्यूट विद ए ओनली, दैट्स इट, दैट्स इट। पहले वाले में कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स विच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, आपने लिख लिया होगा। दूसरे में कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच, लास्ट में क्या लिखेंगे माय डियर? कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स जो किससे कम्यूट कर, जिसका सेंट्रलाइजर है भैया सेंटर में, ऐसे ऐसा समझ लीजिए, तो ए से कम्यूट कराइए ना। वॉट इज सी बी? बी से कम्यूट कराइए, और सी सी तो नहीं बोलेंगे। वॉट इज सी एक्स? एक्स से कम्यूट कराइए। हेलो आर यू लिसनिंग? ये एक और होता है नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप भी होता है, उसकी जरूरत नहीं है, आप ये तीन चीजें पढ़ो। आइए जरा प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 तैयार हो जाओ, तो क्या मजे से काम हो जाएगा आपको। वैसे तो ZD इज अ सब ग्रुप वाला पेज आपके सामने खोल के रख सकते हैं, बट करा ही देते हैं आपको, ठहरिए देखिए प्रॉब्लम 4। लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, then AH is a subgroup of G, centralizer of a subgroup is also a subgroup. हाँ जी step 1 step 2 I hope you have got your Stepney. Step 1 closure, let x and y belongs to CH. अब आपको तो आदत पड़ी गई होगी अब तक टू शो लिखने की, वो अलग बात है, आज तक एक भी theorem आपने बिना देखे प्रूव नहीं की। हाँ भाई ये टू शो क्लियर है आप लोगों को? हेलो जरा इनका इंडिविजुअल मीनिंग तो बताओ, जहाँ जहाँ जी आ रहा था वहाँ वहाँ एच लिख दीजिए, ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए क्लैरिटी के साथ काम करेगा ना मैथमेटिशियन, तभी सक्सेस है।
आप जोश जोश में कुछ भी बोलते जाएंगे तो मजा नहीं है, ना तुम्हें मजा आएगा ना हमें मजा आएगा। यस टू शो, इसको एक एलिमेंट मान लो। हाँ जी, ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट सी एच में कब बिलोंग करेगा, जब ये एलिमेंट एच के मेंबर से कम्यूट करेगा, यानी एक्स वाई अलोंग विद एच, दिस शुड बी इक्वल टू एच एक्स वाई। हेलो, इज इट क्लियर? वॉट इज एक्स वाई अलॉन्ग विद एच? बिल्कुल वही स्टेप्स। हाँ जी, एसोसिएटिव लॉ, पहले एसोसिएटिव लॉ देख देख के समझदारी से बोलिए, ऐसे कूदने की जरूरत नहीं है, एकदम से जंप नहीं करना है स्टेप्स में। हाँ जी, वाई एच किसके बराबर, एच वाई, वैसे ही था बिल्कुल, अगेन एसोसिएटिव लॉ, बट एक्स एच तो एच एक्स के बराबर है, दैट इज एच टाइम्स एक्स वाई। नाउ प्लीज वेट फॉर अ सेकंड। हाँ जी, यहाँ से यहाँ विच लॉ, एसोसिएटिव लॉ, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल सेम स्टेप्स, अगेन एसोसिएटिव, अगेन बाय स्टार। अभी यार इससे लॉजिकल क्या होगा, कमाल होगा। लीजिए, लेट मी राइट, वेयर शुड आई राइट, ठहरो भाई ठहरो, यहाँ लिख रहे हैं बिकॉज स्टेप टू क्लियरली लिखना चाहिए आपको, देयर फोर एक्स वाई एच equal to h x y for all h belongs to capital H, that is bole y belongs to c h, clarity, clarity, x y belongs to c h, and clarity honi chahiye ki kya show kiye hain humne ya kya hum kar rahe hain। yes, step number 2, inverse, x belongs to ch, क्या चीज शो करना है, x inverse, इसका मतलब x h के मेंबर से कम्यूट करेगा, एंड इसका मतलब x inverse h के मेंबर से कम्यूट करेगा, वही वाले स्टेप्स होंगे बिल्कुल जैसे पहले थे। x h equal to h x for all h belongs to h, all of you pre post multiply करेंगे ना, क्या चीज से करेंगे, क्या बात है भाई, याद है आप लोगों को, हाँ च्यवनप्राश जोर जोरों पे आजकल, गुड, नहीं नहीं मैं भी खाता हूँ, शर्माने की क्या बात है, खानी चाहिए। दैट इज एक्स इनवर्स एच, एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एच, एक्स एक्स इनवर्स, बस खत्म ही हुआ तुमने, दिस इज ई एच एक्स इनवर्स एच ई, तो इतना लिखवाया तो एक स्टेप और लिखवा लो, दैट इज एच एक्स इनवर्स एक्स इनवर्स फॉर ऑल एच बिलोंग टू जी। लास्ट स्टेप देख के बताइए, कौन है ऐसा जो एच के मेंबर से कम्यूट कर रहे हैं, चलिए थैंक यू वेरी मच, देख लो भाई एकदम लॉजिकल प्रूफ, बिल्कुल वैसे ही है जैसे जेड जी का था, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला भी था, वादा भी किया था, वंस यू आर क्लियर विद सेंटर जेड जी, जिसको समझ में आ गया उसके लिए बाकी सारी चीजें केक वॉक, गलत तो नहीं बोला था, ये उसी की वजह से तो आसान हो गया क्योंकि आपको जेड जी क्लियर है। चलिए रेडी फॉर नेक्स्ट, बाद में प्रूफ कॉपी कर लेना, समझ तो आ गया होगा। अभी तीन चीज़ें पढ़नी थी आपको, सेंटर हो गया, सेंट्रलाइजर ऑफ सब ग्रुप भी थोड़ा सा बता दिया है आपको, अब सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, वो अगर आपने नोटेशन देखी है तो भाई वो दो तरह से प्रेजेंट की जाएगी, देखिए या तो सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट सी ए बोल दीजिए, या इसी को नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट भी बोला जाता है, कुछ बुक्स में सी ए है कुछ बुक्स में एन ए है, अगर इसमें नोटेशंस में कंफ्यूजन है तो वो आपको बता दे, स्टेटमेंट के थ्रू बताते हैं, दिस इज कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स विच कम्यूट विद ए, यहाँ सिर्फ ए है, फॉर ऑल सिंबल नहीं है, सिर्फ ए से कम्यूट करना है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं यहीं दिखा देता हूँ फटाफट से, देखना भैया,
यस वही क्लोजर और इनवर्स, फटाफट क्लोजर देखिए भाई, मैं उतना एलैबोरेट करके नहीं लिखूंगा, सॉरी। हाँ जी, इसका क्या मीनिंग है? एक्स ए इक्वल टू ए एक्स एंड फॉर ऑल नहीं आएगा, इतनी देर से कह रहा हूँ मैं, इसमें फॉर ऑल नहीं है, देर इज नो फॉर ऑल, एक एलिमेंट कंसर्न है, ए बस, ए से कम्यूट कर। व्हाट इज एक्स वाई अलोंग विद ए? हाँ जी, दिस इज एक्स अलोंग विद वाई। अब मैं क्यों बताऊँ वो सारी चीज़ें जो मैं पिछले एक घंटे से आपको समझा रहा हूँ, अब आप खुद भी नहीं लिख पाएंगे, एक्स ए की जगह ए एक्स लिख दीजिए। हाँ जी माई डियर, एक्स वाई ए इक्वल टू ए एक्स वाई, यानी एक्स वाई किस से कम्यूट कर रहे हैं? ए से। ये समझ में आ गया सबको? हेलो, वही सब लिखना जो सेंटर में और वो सब सेंटर में लिखा है, सेंट्रलाइजर में लिखा है, यू नो क्या लिखना है, आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला स्टेप होता है आपका इनवर्स है। अगर एक्स सी ए में है तो देयरफॉर एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, दैट इज एंड आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स, ये आएगा या नहीं आएगा? आ गया। हाँ जी, कौन है जो ए से कम्यूट कर रहे हैं? एक्स इनवर्स। थैंक यू वेरी मच, मैं प्रूफ सबको क्लियर हो गया। टॉपिक का नाम ही है स्पेशल सब ग्रुप, तो ये भी सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है, और ये सब सारा सक्सेसफुल हो जाएगा अगर आपने जेड जी को जीत लिया, जेड जी अच्छे से कर लिया। अभी इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे, अभी तो आपने थोड़ा थ्योरेटिकली कर लिया लेकिन समझ लिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो एग्जाम में आई हुई है, आर यू रेडी? यस सर। ये प्रूफ थोड़ा ठीक से लिख लोगे ना आप, समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ? yes, लिख तो सब कुछ दिया ही है, बाकी ओके। प्रॉब्लम फाइव भी हो गया, वही एन ए वाला सी ए वाला। प्रॉब्लम नंबर सिक्स, प्लीज वेट फॉर अ सेकंड, अगर आप कंटिन्यूअसली क्लासेस में आते रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के टाइम पे ये आपने किया ही नहीं, किया मना तो करना मत, करवाया भी है क्लास में, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ इनवर्स तो बराबर होता है, और लास्ट क्लासेस में ये भी आपने देखा ही होगा, कर दो मना कर दो, कराया यार बिल्कुल कराया, जितना ब्रैकेट है उतना बस ऐसे याद रखिए। इसी कड़ी में तीसरा, मतलब ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो एक एलिमेंट और उसके इनवर्स के लिए सेम होती हैं, दोनों का ऑर्डर मैच करेगा, दोनों का साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड मैच करेगा, अब क्या मैच कर रहे हैं दोनों का, सेंट्रलाइज याद रहेगा, याद डोंट वरी। आइए, हाउ टू शो टू सेसर इक्वल बाय शोइंग फर्स्ट इज कंटेन इन सेकंड एंड सेकंड इज कंटेन फर्स्ट, स्टेप वन टू करके बता देते हैं आपको। प्लीज वेट फॉर अ सेकंड, या कई बार जोश में भी आ जाते हैं हम। जी, व्हाट इज सी ए कंसर्न? जो एलिमेंट है आपका वो ए है, सेंट्रलाइजर ऑफ ए, सेंट्रलाइजर ऑफ ए, जिसमें ऐसे एलिमेंट लेना है जो ए से कम्यूट करता है, ए से। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय दिस? दिस मींस एक्स ए इक्वल टू ए एक्स, दैट्स इट सर। बी सी, अरे बी का क्या करोगे? बी और सी कुछ नहीं है। अच्छा, इसका मतलब बताइए, वाई ए इक्वल टू ए वाई, इसका मतलब बताइए, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ओके, अभी करा देते हैं आपको, यहाँ ये इसके मेंबर्स उसमें होने चाहिए। लो भाई, चलो चलो चलो, यहाँ से एलिमेंट लो, वहाँ आ जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू सी ए,
दैट इज एक्स ए इक्वल टू ए एक्स। अब मुझे पता है आपका दिमाग क्या चल रहा है कि थ्रू आउट प्री पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स इनवर्स। भाई जो हमें चाहिए वो देखो ना, जो चाहिए वो देखिए। आप बैठ के अगर हथौड़ा चलाते रहेंगे तो उससे तो काम नहीं चलेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मीनिंग मीनिंग आई एम आस्किंग मीनिंग एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब पिक्चर में ए इनवर्स है, एक्स इनवर्स नहीं है। आप जरा प्रैक्टिकली बताइए क्या चीज से प्री पोस्ट मल्टीप्लाई करना चाहिए, एक्स इनवर्स या ए इनवर्स? ए इनवर्स। काम खत्म हुआ ही समझो। एसोसिएटिव लॉ लिख लीजिए। That is A inverse X E. Last line, कौन है जो A inverse से commute कर रहा है? X. X belong करेगा C of A inverse में. Please wait for a second. Initially तो X इसका member था. Finally X इसका member है. तो किसके elements किसमें contained हो गए? C A के elements C A inverse में contained हो गए. ये वन है। एंड जी स्टेप टू में क्या शो कर हो जाएगा ना सिमिलरली, करने की जरूरत नहीं है। ओहो अभी आपने ये इसमें कंटेंट दिखाया, स्टेप नंबर टू में सिमिलरली वी कैन शो। उसके बाद ये लास्ट लाइन में आप लिखेंगे C of A inverse is contained in C of A. ये टू हो जाएगा, वो वन है, हो जाएगा। हेलो yes, yes, इसको कर लीजिएगा। अगर ये नहीं करने का मन है तो यहाँ स्टेप टू की बजाय इधर ही लिख लीजिएगा, सिमिलरली वी कैन शो C of A inverse is contained in C of A. आई थिंक यू यू कैन डू दैट मच, कर सकते हैं। yes, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, इतना करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।